वो निर्भर करती है दोस्तों संगत रणायन के स्थायित्व पर अमलिता जो है वो निर्भर करती है दोस्तों संगत रणायन के स्थायित्व पर जो दोस्तों अमलीता है वो निर्भर करती है संगत रणायन के

रिनाइन यहाँ पर दोस्तों देखें तो यहां पर एक हाइड्रोजन ही लगा है अगर दोस्तों इसको हम CH2 और H के रूप में तोड़ दें इस प्रकार से तो यहां पर दोस्तों हाइड्रोजन लगा है और इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं है इस पर दोस्तों कोई प्रभाव नहीं है ठीक है अगले दोस्तों बात करते हैं दिया गया है एफ सी एस टू सी एच या दोस्तों यहां पर बात करते हैं ब्रोमीन सीएस टू सी ओ एच एक ये भी दिया गया है तो जब इसका संगत ऋणायन बनेगा सी एस टू ब्रोमिन सी ओ तो दोस्तों यहां पर इस बी आर का माइनस आई प्रभाव लगेगा ठीक है उसके बाद दोस्तों दिया गया है सी एल सी टू सी ओ एच जब दोस्तों इसका संगत ऋणायन बनेगा सी एल सी एस टू सी का तब दोस्तों यहां पर इस Cl का दोस्तों क्या लगेगा माइनस आई प्रभाव लगेगा दोस्तों अगला दिया गया एफ सी एस टू सी ओ एच दोस्तों फ्लोरीन के साथ जब दोस्तों यहां पर एफ के साथ सी एच टू सी ओ लगा है तो यहां पर एफ का माइनस आई प्रभाव लगेगा अब दोस्तों माइनस आई प्रभाव तीनों में लग रहे हैं यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं वो सबसे कम अमली होगा पहला वाला लेकिन इन तीनों में अमलिता का क्रम क्या होगा हमने देखा माइनस आई प्रभाव जो है विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है हमने बताया तो दोस्तों हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों का क्रम क्या है तो दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता का दोस्तों में क्रम पता है क्या होता है सबसे अधिक वो दोस्तों फ्लोरीन होता है विद्युत ऋणात्मक फिर क्लोरीन होता है और फिर ब्रोमीन होता है ये दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता का क्रम होता है दोस्तों इसलिए माइनस आई प्रभाव सबसे अधिक क्या होगा दोस्तों फ्लोरीन वाले का होगा ये सबसे अधिक प्रभाव माइनस आई लगाएगा इसलिए सबसे दोस्तों अम्लीय होगा और ये दोस्तों सबसे कम सबसे कम माइनस आई लगाएगा और ये माइनस आई मध्य में लगाएगा इसलिए दोस्तों अगर अम्लीयता की बात करें अम्लीयता की बात करें दोस्तों तो जो अम्लीयता का क्रम होगा वो दोस्तों फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा आएगा अम्लीय सी ओ ओ एच फ्लोरिन के बाद दोस्तों क्लोरीन वाला आएगा ठीक है फ्लोरीन के बाद दोस्तों क्लोरीन वाला आएगा क्लोरीन के बाद दोस्तों ब्रोमीन वाला आएगा और दोस्तों सबसे कम अम्लीय वो होगा दोस्तों जहाँ पर कोई प्रभाव नहीं लग रहा था सबसे कम अम्लीय वो होगा दोस्तों जहाँ पर कोई प्रभाव नहीं लग रहा था सबसे कम अम्लीय दोस्तों समूह है जो जिसमें दोस्तों कोई प्रभाव नहीं लग रहा है ये हमारा सही उत्तर होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और फिर जहाँ पर कोई प्रभाव नहीं दोस्तों जिसको कि हमने अच्छे से समझाया तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और कोई प्रभाव वाला नहीं जो कि ऑप्शन चार दिया गया इसलिए इस प्रश्न का दोस्तों जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर चार है धन्यवाद क्लास से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर